अस्सलाम वालेकुम गाइस, तमाम दोस्तों को सलाम है। आज हम जाएंगे जुम्मा नमाज पढ़ने, तो अभी साद भाई को इंशाल्लाह उठाएंगे, फिर अरशद भाई को। साद भाई उठो, नमाज का टाइम है। अरशद भाई उठो, नमाज का टाइम है, उठो जल्दी करो जल्दी के। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे हमारा एक पंक्चुअल दोस्त था, उसने हमें नमाज़ के लिए उठाया। आज जुम्मा था, हमें पता ही नहीं था और हम सो रहे थे। तो लेट्स सी, हम अभी तैयार शैर होके मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और आप फिलहाल ये नज़ारे देखें। व्लॉग बनाएंगे तो दोस्त नहीं आएंगे ना, ये फिर नाराज़ हो जाते हैं कि हाँ तुमने वीडियो बना ली, व्लॉग भी बना लिया, हम इसमें नहीं आए। इधर जो सबसे प्यारी चीज़ है वो यहाँ का मौसम है। लाइक यहाँ पे मौसम जो है अभी गर्मी होगी और 30 से 40 मिनट बाद सीधा ये 360 से रोटेट हो जाएगा और सर्दी हो जाएगी। कुछ पता नहीं चलता मौसम का, यानी आपको पहले से मौसम देखना होगा। लाइक नाउ इट्स क्लाउडी एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी सनी। पाकिस्तानी जो होते हैं ये बाज नहीं आते, देखो वहाँ पे रेड लाइट लगी हुई है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मेन रोड को क्रॉस कर रहे हैं जैसे हम पाकिस्तान में क्रॉस करते थे। देखो ये बाज नहीं आते, हम आपको दिखाएंगे कि कानून कैसे तोड़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, देखो इस वजह से पाकिस्तान कामयाब नहीं हो रहा। कैमरामैन ने भी कानून तोड़ा है। जब भी हम बस का वेट करते हैं तो बस लेट आती है, और जो हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है वो भी लेट हो जाता है। अभी हम जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे हैं तो बस थोड़ी सी लेट हो रही है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह टाइम पे आएगी और हम टाइम पे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह, बस नहीं मिला, अल्लाह ने गाड़ी भिजवाई स्पेशल। तो इस भाई साहब ने रोज़ा नहीं रखा था, ये कह रहा था कि आप लोग यहाँ उतर जाओ और यहाँ से पैदल चले जाओ, मैंने कुछ खाया नहीं। ये गाड़ी से हम उतर गए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, तो अब पैदल जाना पड़ेगा। जुम्मे के दिन है, सबको पता है कि थोड़ा रश ज़्यादा होता है, पड़ेगा क्योंकि नमाज कज़ा हो रहा है। चलो भागे, लेट्स गो स्टार्ट। अंदर जगह नहीं है मेरे ख्याल से। ये दोनों इधर आ गए नमाज पढ़ने पर, मुझे छोड़ दे इधर, क्योंकि जगह ही नहीं था ना, तो प्रैंक कर लिया। बस हम क्या करें, दोस्त है, दोस्त को तो कुछ नहीं कह सकते। चलो इसका बदला हम लेंगे कभी किसी और लॉग में इंशाल्लाह, फिर देख ले। मस्जिद से निकल रहे तो इंशाल्लाह ये रश थोड़ा कम हो जाए, तो हम अंदर जाएंगे इंशाल्लाह, आपको अंदर से मस्जिद दिखाएंगे। अंदर जा रहे, अंदर का नजारा दिखा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। माशाल्लाह आज ही सुलेमान भाई, माशाल्लाह ऐसी खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाई है लकड़ी की। इस भाई ने इबादत की, अब ये सोने लगा है। अगर इधर से ये गिर गए तो ये डायरेक्ट जन्नत जाएगा। एक तो रमजान है और दूसरा मस्जिद है। नहीं, खुदकशी होगी ना, ऐसे तो खुदकशी होगी।
चलो दे देंगे वो तो, अगर मेरे पैसे तो सबके सामने, तुम्हें इस वीडियो पे मान लो तुम चला लो, अगर आप अनफॉर्चुनेटली गिर गए तो फिर आपको जन्नत मिलेगी। नहीं चाहिए तो फिर दूसरी वीडियो है ना, क्या नहीं नहीं इंशाल्लाह देंगे। उसके उसके थ्रू ना मैं क्या करूंगा कि पैकेज वगैरह करूंगा, पैकेज मेरा खत्म हो रहा है ना, वो पैसे थे वो रास्ते में मस्जिद के रास्ते में। चलो आ जाओ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाते हैं। इसको बिठाते हैं, चलना करते हैं, वैसे जमा होते हैं इस साइड से, इस साइड से आ जाओ। चलो आयत कुरानी तहदूरक बइज्जतना। माशाल्लाह से ये सीढ़ियाँ बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आई। इधर ही रह जा फिर। कैसे रह जाए, उधर दोनों दो मुझे बहुत पसंद है। तो इसके बाद जब हम निकलने वाले थे तो हमने देखा कि यहाँ तो बेसमेंट भी है, फिर हम बेसमेंट में गए। यहाँ पे हम कुछ लोकल बच्चों से मिले, इनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, बाकी ये क्या कह रहे थे कि लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। हमें भी थोड़ी बहुत लोकल आती थी, तो जितनी आती थी उतनी बोल दी। उसके बाद हमने बेसमेंट का नज़ारा किया, यहाँ पे स्क्रीन वगैरह भी लगे हुए थे, और बाकी के नीचे बेसमेंट बहुत खूबसूरत था। ये दोस्त कह रहा था कि देखो ये कपड़े जो ये हीटर के ऊपर लगाए हुए हैं, तो ये किस चीज़ के लिए लगाए होंगे। ये इस तरह करते हैं कि सीढ़ियाँ वगैरह जो होती हैं ना, ये इनसे कपड़ों वगैरह से ये साफ़ करते हैं ना, फिर इनको धो के फिर ये हीटर्स वगैरह के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो सुखाने के लिए ना ये यहाँ पे रख देते हैं हीटर्स के ऊपर। यहाँ पे हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हीटर्स ये हुकूमत की तरफ से ये हीटर्स होते हैं ना, जिसमें गैस वगैरह भी जाती रहती है और गर्म पानी भी इधर जाता रहता है। तो ये जो पोछा वगैरह होता है इन्होंने लगाया होता है ना, ये गीले कपड़े इधर रख देते हैं, तो इधर जल्दी फिर ये खुश्क होते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चे जो जब हम बेसमेंट में आए थे ना, ये हमारे साथ मिले थे, तो वो कह रहे थे कि आर यू यूट्यूबर, तो हम दिखा कि हाँ छोटे मोटे यूट्यूबर है, बिगिनर है, तो कह रहे थे कि यूट्यूब चैनल दे दो, तो हम उनसे डिस्कशन कर रहे थे उस बारे में। नो प्रॉब्लम ब्रो, जो काम हमने करना था तुर्किश मॉस्क में, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कह सकते, किस्मत की बात होती है, हम यहाँ आ गए, वो काम हमने यहाँ कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, और अल्हम्दुलिल्लाह से व्लॉगिंग आज की ज़्यादातर बन गई है, और नेक्स्ट आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ जाते जाएंगे, और घर तक का रास्ता आपको दोबारा से दिखाते हैं, फिक्र ना करें, हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक आपको इंशाल्लाह तुर्किश मस्जिद लेके जाएंगे, इंशाल्लाह जुमे के दिन जाएंगे ज़रूर। ऐसे एक बात है, यहाँ से पैदल जाना चाहते हो, या यहाँ से बस में जाना चाहते हो, या इंडेक्स में जाना चाहते हो, या जो मेरी अपनी गाड़ी है उसमें जाना चाहते हो? वैसे सात भाई मैं तो कंफर्टेबल हूँ पैदल जाने के लिए। अच्छा, पैदल जाता हूँ, मुझे तो ये पसंद है, पैदल जाना चाहते हो या अपनी गाड़ी में? मैं तो कहता हूँ अगर दोबारा ऐसा अल्लाह रहम करे एक बंद आ जाए ना, बस उसके साथ चले जाए, फ्री में पेट्रोल भी खर्च नहीं होगा। वैसे ये बात तो सही है, अपनी भी गाड़ी है और बस में किराया कम लगता है, लेकिन ये बिल्कुल फ्री में जाना चाहता है, जिस तरह इससे पहले आया था कि पता ही ना चले कि पेट्रोल जो है वो हमारा ज़ाया हुआ है, पैसे हमारे लगे हैं। तो इंशाल्लाह अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में गए तो वैसे कंट्री बहुत ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाएगी, लेकिन मसला ये है ना कि ऐसे टैलेंटेड लोग जो होते हैं ना, वो कंट्री छोड़ के फिर बाहर आ जाते हैं, पाकिस्तान टैलेंटेड लोगों को जगह ही नहीं देती, इस वजह से देख लो ना हम जैसे टैलेंटेड लोग बुरी लग रही है, खाली जगह पुर करें, एमसीक्यू फिल हो गया, बस साल में जाना खाली जगह पुर करें, आज पता चला इसका ये मतलब है, ऐसे पूरी किया जाती है। अब हम आपको अपनी शक्ल दिखाएंगे, आज के लिए व्लॉगिंग इतनी काफ़ी है, बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग इंशाल्लाह। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, स्टे ट्यून्ड, वेट फॉर द अपकमिंग व्लॉग, बाय बाय।